मेधासी देवी विदिताखिल शास्त्र सारा, दुर्गासी दुर्गा भवसागर नौरसंगा, श्री कैट भारे हृदय कृताधिवासा, गौरी त्वमेव शशिमौलिकृत प्रतिष्ठा। भगवती साधना राधना समवेताः भक्ति भावनाभिप्लुताः दर्शकाः, स्वागतमत्र वार्तावल्याः नवेस्मिन् अंके भवतां समेषाम्। इयमहं सत्यप्रिया। अहमस्मि नारायणदत्तः। आदिदेव्याः मातृशक्तेः स्वरूपसमाराधनपरं नवरात्रपर्व सविधानं सोल्लासञ्च साम्प्रतम् आमान्यते अखिलेऽपि देशे। नवरात्रम्, आदिदेव्याः नवसंख्याकस्वरूपम् अस्मत् संस्कृत्यां नारीणां पूजितस्थानं च स्मारयति विशिष्टं पर्व इदम्। सत्यं, नारीणाम् अभ्यर्हितस्वरूपवैशिष्ट्यमेव समुपस्थापयति ऐषमः अस्मदीय सुभाषितम्। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्रा फलाः क्रियाः। जहाँ नारियों को समुचित सम्मान मिलता है, वहाँ सुख समृद्धि का निवास होता है। जहाँ इनका आदर नहीं होता है अथवा इनका अपमान होता है, वहाँ सारे धर्म कर्म निष्फल ही होते हैं। Where women are respected, prosperity blossoms. And where women are disrespected, all actions, no matter how noble, remain unfulfilled. निश्चयेन, दर्शकाः, काः हि सफलाः, काश्च विफलाः जगति जायमानाः क्रियाः इति ज्ञातुं समुत्सुकः संतिष्ठते खलु समाजः। तासु एव प्रवर्तिताः प्रवर्तमानाश्चापि काश्चन मुख्याः क्रिया संहिताः पुरस्कर्तुं प्रयत्यते अस्माभिः प्रवाहिवार्ताभिः। प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी नवदिल्ल्यां नूतन प्रवासी भारतीय केन्द्रं समुद्घाटयत्। अत्रावसरे प्रधानमंत्रिणा न्यगादीत् यत् भारतेन कदापि कोऽपि देशः न आक्रान्तः, तेन प्रतिपादितं च यत् भारतेन विश्वशान्तये सर्वोच्चं बलिदानं कृतम्। यह देश कभी जमीन का भूखा नहीं रहा है। इस देश ने कभी भी दुनिया में कहीं आक्रमण नहीं किया है। कि हम वो लोग हैं जो किसी के लिए मरते हैं, हम वो लोग हैं जो किसी के लिए बलिदान देते हैं। जम्मू कश्मीर से हंदवाड़ा जनपद से लंगेट क्षेत्रे 33 राष्ट्रीय राइफल शिविरे आतंकी प्रहारो विहित। प्रहारम एतम असफली कुर्वद्भि सुरक्षा बल त्रया आतंकवादि शिविर से बहिरेव व्यापादिता। सममेव गुजरात से कच्छ भूमौ सीमा सुरक्षा बल सैनौकम न पाकिस्तानिया निगृता। केन्द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिंह जैसलमेर बाड़मेरम संप्राप्य पश्चिम सीमा सुरक्षा समीक्षता। गृहमंत्रिणा पाकिस्तान सीमावर्तीना राजस्थान गुजरात पंजाब जम्मू कश्मीर राज्यनाम मुख्यमंत्री अथ च वरिष्ठाधिकारी साकम उपवेशनम विहितम्। भारत से G-SAT 18 इति नवीनतम संचारोपग्रह से फ्रेंच गुआनाया कारु क्षेत्रतः सफलम प्रेक्षणम जातम्। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठनेन निर्मितस्य अस्य उपग्रहस्य उद्देश्यम देशस्य दूरसंचार क्षेत्रेषु समुन्नतीकरणं वर्तते। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा स्वीय मौद्रिक नीत्याः समीक्षायां निक्षेपमितिः 4% व्याकलिता। सम्प्रति निक्षेपमितिः 0.7% मितांकतः न्यूनीभूत्वा 66% मिताम् अनुमिता। सममेव प्रतिवर्ती निक्षेपमितिः साम्प्रतं 69% समाकलिता। पुर्तगालस्य पूर्व प्रधानमंत्री एंटोनियो गुटरेसः संयुक्त राष्ट्रस्य नूतनो महासचिवः भविष्यति। सः आगामी वर्षे बान की मूनस्य स्थाने पदभाजनीभूतः स्यात्। सुरक्षा परिषदः 15 सदस्यैः बुधवासरे 10 प्रत्याशिभ्यः गुप्त मतदानं कृतं, न हि केनचिदपि गुटरेसः विरोधः विहितः। ऐषमः वर्षे विभिन्नेषु क्षेत्रेषु नोबेल पुरस्कार प्रदानस्य समुद्घोषणा जाता। चिकित्सा क्षेत्रे जापानस्य योशिनोरी ओशुमी इत्येतस्मै, भौतिक क्षेत्रे डेविड थोलुजा डेंकन हेल्डन कोस्ट लिट्स इत्येतेभ्यः, रसायन क्षेत्रे च ज्याम पियर सोविच जे फ्रेसर स्टाडर्ड बर्नार्ड फेरिंग इत्येतेभ्यश्च वैज्ञानिकेभ्यः पुरस्कारोऽयं प्रदास्यते। कोलम्बिया राष्ट्रपतिः जुआन मैनुअल सैंटोस शान्ति क्षेत्रे अनेन पुरस्कारेण अलंकरिष्यते।
गाजियाबाद स्थ हिंडन वायु स्थान के भारतीय वायुसेनाया 84वां स्थापना दिवसावसर अभिलक्ष्य भव्यम प्रदर्शन समनुष्ठित यत्र भारतीय वायुसैन्येन स्वीय शक्ते सबल समुपस्थापन विहित अवसरे अस्मिन् राष्ट्रपति प्रधानमंत्रीभ्यां देशस्य वीरभटाः अभिनन्दिताः। अशेषे देशे नवरात्र पर्व सोल्लासम आमान्यते। दुर्गा पूजा मंदिरेषु मातुः प्रत्येकं स्वरूपस्य दर्शनाय पूजार्चनायै च भक्ताः महतोत्साहेन संयुता परिलक्ष्यन्ते। पश्चिम बंगाले दुर्गा पर्वेदं सविशेषम आमान्यते। भक्तिः अर्थात् समग्रतः सेवाभावः, स च सेवाभावः संस्कृताय अपि विविधोन्मेषैः संप्रवर्तते एव। तादृशेषु एव उन्मेषेषु वर्तते संस्कृतनवत्वसमासाधकम् अस्तित्वनामधेयं तेजस्विवाद्यवृन्दम्। एतस्य प्रवर्तकः गायकश्च सल्मान खानः वर्तते अस्मिन् क्रमे अस्माकं त्रिज्यातिथिः। अस्तित्व बैंड के मुख्य गायक सलमान खान से आज हम बात करेंगे अपने कार्यक्रम वार्तावली में। नमस्कार सलमान जी। हेलो मैम। हमारे कार्यक्रम वार्तावली में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। सलमान जी, आप हिंदी और अंग्रेजी के गानों की तरह ही संस्कृत के गानों को भी रॉक संगीत में गाते हैं जी, तो संस्कृत की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? जी, 3 साल पहले की बात है, हम लोग को इनवाइट आया दिल्ली में नेहरू पार्क में एक भक्ति फेस्टिवल करके कॉन्सर्ट था। अच्छा। और हम लोग को इनवाइट किया साहित्य कला परिषद ने जी, और उन्होंने बोला कि वी वांट अस्तित्व टू परफॉर्म सम वैदिक चैंटिंग एंड सम संस्कृत श्लोक्स एंड ब्लेंडेड विद सम रॉक एंड जैज। तो पहले तो हम लोग खुद एक शॉक हो गए, इट वाज क्वाइट सरप्राइजिंग कि अरे हमें चूज करा गया है, लेकिन स्टिल वी थॉट ऑफ यू नो गिविंग अ गो अहेड। हम लोग करते हैं, ठीक है, हर किसी की लाइफ में जर्नी में कुछ ना कुछ व्हाट यू से एक कहीं से चीज शुरू होती है। हाँ। तो हम लोग चलो ठीक है, हम लोग करेंगे। जो उच्चारण होता है, जो प्रोनाउंसिएशन होता है, वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। तो उसके लिए मैंने बहुत मेहनत करी, खूब मैंने सीखा उच्चारण पहले जी, उच्चारण मैंने सीखा और उसके बाद फिर हम लोग ने भक्ति संगीत में हम लोग ने परफॉर्म करा और बाय द ग्रेस ऑफ ऑलमाइटी ऊपर वाले का शुक्र था कि वो हम लोग का कॉन्सर्ट पहला कॉन्सर्ट था, संस्कृत कॉन्सर्ट था और वो लोगों को बहुत बहुत पसंद आया था। उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज होता क्या है कि इंस्पाइट ऑफ मी बींग अ मुस्लिम बट म्यूजिक एक ऐसी चीज़ है, आर्टिस्ट वो एक बच्चे की तरह है, उसे आप जो खिलौना देंगे वो खेलेगा उससे। बिल्कुल बिल्कुल। तो भक्ति संगीत से वो संस्कृत में गाने का सफर शुरू हुआ। उसमें मुझे अभी भी याद है, हम लोग वहाँ पे 2 गाने परफॉर्म करे थे। दैट वॉज फर्स्ट ऑफ ऑल वॉज स्वस्ति वाचन। अच्छा जी, वो थोड़ा जी। हाँ। थोड़ा सा मैं उसे गुनगुनाऊंगा। जी बिल्कुल स्वस्ति न इंद्रो वृद्धशवः, स्वस्ति न पूषा विश्वविदः, स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातुः। सलमान जी, आपके बैंड का नाम है अस्तित्व, ये अपने आप में ही एक संस्कृत निष्ठ शब्द है जी। तो आपने क्या सोच के ये नाम रखा? देखिए, संस्कृत और अस्तित्व का बहुत बहुत पुराना रिश्ता है, मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि हम लोगों ने बैंड कॉलेज में फॉर्म करा था। अच्छा। और हमारे बैंड के जो ड्रमर है मिस्टर आयुष गुप्ता, उन्होंने ये बैंड नेम सजेस्ट किया था, क्योंकि हम लोगों को आप कह सकते हैं हम लोग उस टाइम में कॉलेज में थे और हमें अपना एक आइडेंटिटी, अपना अस्तित्व बनाना था। तो हमने सोचा अरे यार, हम लोग अपना वजूद ढूंढ रहे हैं, हम लोग अपनी आइडेंटिटी ढूंढ रहे हैं, हमें अपनी आइडेंटिटी बनानी है, तो क्यों ना हम लोग अपने ब्रांड का नाम अस्तित्व रखें। बिल्कुल, और आपका अस्तित्व हमेशा बना रहेगा। थैंक यू सो मच मैम। जब आप कोई भी संस्कृत का मंत्र, गीत या स्तुति जब प्रस्तुत करते हैं,
तो आप उसमें पूरी तरह से डूब जाते हैं, ऐसा लगता है आप आत्मा से उससे जुड़े हुए हैं, तो वो कैसा अनुभव होता है आपका? मैम, जब से मैंने संगीत से जुड़ा हूँ, मैं जब से मैंने स्टेज परफॉर्मेंस करना शुरू करा है, इट इज़ जस्ट, आप कह सकते हैं वो एक मेडिटेशन है मेरे लिए। एंड जो कहते हैं, बड़े बुजुर्ग कहते आए हैं कि म्यूज़िक इज़ डिवाइन, संगीत साधना है। भले वो कैसा भी हो, हिंदुस्तानी क्लासिकल हो, रॉक हो, जैज हो, संस्कृत के श्लोक हो, अल्टीमेटली आप म्यूज़िक कर रहे हैं और एक वो अलग ही फील होता है। भले जिस तरह मैं गाता हूँ, संस्कृत में गाता हूँ, कनॉट प्लेस में हम लोग का रागरंग फेस्टिवल हुआ था, उसमें हम लोगों ने एक प्रस्तुति दी थी जिसका नाम था पठंतु संस्कृतम। पठंतु संस्कृतम मीन्स आप संस्कृत पढ़िए। इट वॉज पठंतु संस्कृतम जनः, लिखन्तु संस्कृतम जनः, पिबन्तु मानवः सुचा मुदा सुसंस्कृत अमृतम पठंतु संस्कृतम। कि आपको संस्कृत पढ़नी चाहिए। हम क्योंकि देखिए हम लोग यूथ हैं और संस्कृत हमारी हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ है, हमारी संस्कृति है। हिंदी उर्दू सब कुछ उसी लिपि से शुरू होता है, तो वाई नॉट हम लोग जो हमारा यूथ पे ही जिम्मेदारी है कि हम लोग, ठीक है हम लोग आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग एक प्रोग्रेसिव कंट्री बनते जा रहे हैं, लेकिन हम लोग को अपने कल्चर से, अपनी संस्कृति से जुड़ा रहना चाहिए। क्या आपको लगता है कि रॉक संगीत में संस्कृत को लोगों के सामने रखने से युवा वर्ग इससे ज़्यादा जुड़ पाता है? बेशक। और उन तक मतलब संस्कृत पहुँचाने में भी थोड़ी सी आसानी होगी। मैंने खुद क्लास सिक्स के क्लास एट के बाद मैंने खुद संस्कृत पढ़ी नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन क्योंकि देखिए हम लोग भारतीय हैं, इंडिया इज आर कंट्री, और हमें भारतीय होने पे गर्व है। इंडिया इज द ओनली कंट्री जहाँ पे, हिंदुस्तान इकलौता मुल्क है जहाँ पे इतना कल्चर का, मतलब इतनी वैरायटी है। हर कहावत यह है कि हर 15-20 किलोमीटर के बाद या 20 मील के बाद भाषा बदल जाती है। एंड इनफैक्ट वी शुड बी प्राउड ऑफ इट। संस्कृत फैलाने के लिए, संस्कृत का कल्चर फैलाने के लिए, कल्चर फैलाने के लिए बेसिकली आप म्यूजिक सुनिए, भले आप कैसा ही म्यूजिक सुनिए, लेकिन अल्टीमेटली इट इज़ ऑल अबाउट लिसनिंग टू योर हार्ट। तो हमने भी अपने दिल को सुना और हमने ये सुना, ठीक है हमें म्यूजिक करना है संस्कृत में, करते हैं म्यूजिक। सलमान जी, जैसा कि आपके बैंड का घोष वाक्य है, वी एम टू कॉन्कर द स्काई, तो हम भी यही कामना करते हैं आपके लिए कि आप अपनी इस संगीत यात्रा में सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचे। बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसा कि आप हमेशा अपने हर प्रस्तुति का जो है अंत ओम नमः शिवाय से करते हैं, आज हमारे श्रोताओं के लिए भी आप उसकी कुछ लाइनें गुनगुनाइए। नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, विभुं व्यापकं ब्रह्मवेत् स्वरूपम्। निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहम्, चिदाकाश माकाश वासं भजे हम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। दबम दबम गम दबम दबम गम धनि, दबम दबम गम धनि सनि, दबम दबम गम धनि स ग नि ध नि र सनि, दबम दबम गम प pam 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 संस्कृत संगीतस्य नवतावलितम् ईदृशम् अस्तित्वम्। आम् सत्यप्रिये, संस्कृत संगीतञ्च सम्पूर्णतः आस्वादयितुं संस्कृत शिक्षणं परमावश्यकम्। निःसंशयम्, अस्माभिः सरलातिसरलं संस्कृतशिक्षणस्वरूपं तु सामाजिकेषु संस्कृतस्य सामान्यास्तित्वानुगुणमेव समभिकल्पितं वर्तते। दर्शकाः, तर्हि भवन्तु भवन्तः सन्नद्धाः, सभक्ति विभक्तिपूर्वकं च पठन्तु लिखन्तु च सहर्षं संस्कृतम्।
नमस्कारः अद्य पुनः वार्तावल्याः संस्कृत शिक्षणक्रमे भवतां हार्दं स्वागतम् आदौ पुनरावृत्ति पिता पुत्राय मोदकं ददाति पिता पुत्राय मोदकं ददाति पिता पुत्र्ये मोदकं ददाति पिता कस्य मोदकं ददाति भवान् अत्र आगच्छतु एतत् मोदकम् एतत् किमस्ति एतत् मोदकम् इच्छति छात्रः मोदकाय स्पृहयति छात्रः मोदकाय स्पृहयति बहु सम्यक् छात्रः मोदकेभ्यः स्पृहयति छात्रः मोदकेभ्यः स्पृहयति बहु सम्यक् गच्छतु छात्रः कन्दुकाय स्पृहयति छात्रः कन्दुकाय स्पृहयति छात्रः कन्दुकेभ्यः स्पृहयति छात्रः कन्दुकेभ्यः स्पृहयति स्वीकरोतु अत्र आगच्छतु स्वीकरोतु अत्र आगच्छतु अहं छात्रेभ्यः कन्दुकानि ददामि अहं केभ्यः कन्दुकानि ददामि छात्रेभ्यः अहं छात्रेभ्यः कन्दुकानि ददामि बहु सम्यक् यच्छन्तु छात्रः मह्यं कन्दुकानि यच्छन्ति ददति यच्छन्ति वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति वृक्षाः परोपकाराय फलन्ति नद्यः परोपकाराय वहन्ति नद्यः परोपकाराय वहन्ति वृक्षः चटकाभ्यः चटकाभ्यः आश्रयं ददाति वृक्षः काभ्यः आश्रयं ददाति चटकाभ्यः आश्रयं ददाति गुरुः शिष्याय उपदिशति गुरुः शिष्याय उपदिशति गुरुः शिष्येभ्यः उपदिशति गुरुः शिष्येभ्यः गुरुः केभ्यः उपदिशति शिष्येभ्यः गुरुः छात्राभ्यः उपदिशति छात्राभ्यः गुरुः काभ्यः उपदिशति यदा असूया भवति ईर्ष्या तदापि सम्प्रदानं भवति दुर्जनः सज्जनाय असूयति दुर्जनः सज्जनाय असूयति दुर्जनः सज्जनेभ्यः असूयति दुर्जनः सज्जनेभ्यः असूयति दुर्जनः केभ्यः असूयति सज्जनेभ्यः गुरवे नमः गुरुभ्यः नमः गुरवे नमः गुरुभ्यः नमः केभ्यः नमः गुरुभ्यः नमः आचार्याय नमः आचार्याय नमः आचार्याभ्यः नमः काभ्यः नमः आचार्याभ्यः नमः देशभक्ताय नमः देशभक्ताय नमः देशभक्तेभ्यः नमः देशभक्तेभ्यः नमः केभ्यः नमः देशभक्तेभ्यः नमः सैनिकाय नमः सैनिकेभ्यः नमः केभ्यः नमः सैनिकेभ्यः नमः ये राष्ट्ररक्षां कुर्वन्ति ये राष्ट्ररक्षां कुर्वन्ति तेभ्यः सैनिकेभ्यः नमः पुष्पं पुष्पेभ्यः देवी देव्ये देवीभ्यः नदीभ्यः काभ्यः बालिका बालिकाभ्यः शिक्षा शिक्षाय शिक्षाभ्यः कुमार्ये कुमारीभ्यः सम्प्रति एकं गीतम् उदेति सूर्यः सर्वेभ्यः उदेति सूर्यः सर्वेभ्यः ददाति प्राणान् जीवेभ्यः ददाति प्राणान् जीवेभ्यः ददाति ज्योतिः ताराभ्यः ददाति ज्योतिः ताराभ्यः ददाति मेघान् वर्षाभ्यः ददाति मेघान् वर्षाभ्यः ददाति तोयं वृक्षेभ्यः ददाति तोयं वृक्षेभ्यः ददाति पुष्टिं वल्लीभ्यः ददाति पुष्टिं वल्लीभ्यः ददाति शक्तिं कर्तृभ्यः ददाति शक्तिं कर्तृभ्यः ददाति भक्तिं साधुभ्यः ददाति भक्तिं साधुभ्यः अधुना सम्पन्ना इयं कक्षा आगामि सप्ताहे पुनः समागमिष्यामः तावत् पर्यन्तं नमस्कारः कुमार्यै कुमारीभ्यः नार्यै नारीभ्यः देवी देवीभ्यः एताभ्यः मम नमः अयि को न जानाति नारीणां शक्तिमत्त्वं नारीणां बुद्धिमत्त्वं चातुर्यं वा नारीणां चातुर्यं नारायणदत्त कः प्रसङ्गः स्मरामि इक चतुर्नार् करके सिङ्गार् इति पडोसन चलचित्रस्य गीतमेकं
एवं न केवलं गीतमिदमेव अपि तु प्रख्यात हास्यकलाकारस्य महमूदस्य एतत् गीतान्तर्गतं विविध चलचित्रीयञ्च अभिनयकौशलं को हि विस्मारयितुं शक्नोति। यह गौड़ा बोला, यह चतुर बोला, यह गौड़ा चतुर क्या रे, यह गौड़ा बोलना या चतुर बोलना। स्वीय हास्याभिनयेन रुदन्तमपि जनं हास्यरसेन आप्लावितं कुर्वाणः भारतीय चलचित्र जगतः हास्यकलाकाराधिराजः महमूदः, येन हि संसाधनानां अभावेपि लक्ष्यम् अधिगन्तुं तीव्र इच्छां सततं संधार्य भारतीय हास्यकला नूतन प्रतिष्ठापदे संस्थाप्य अमरत्वम् आपादिता। या अल्लाह, काले से डर गए क्या? हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हमें काले हैं तो क्या हुआ दिल वाले हैं, हम तेरे 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 चाहने वाले हैं। अभिनयकलायाः अङ्गोपाङ्गेषु लीलया सञ्चारपूर्वकं कलासक्तदर्शकान् युगपदेव हास्यरससागरे निमज्जकः मर्मस्पर्शिदृश्यैश्च कारुण्यभावस्य आलोडकः निर्माता निर्देशकः प्रथितश्च हास्यकलाकारः आसीत् महमूदः। वस्तुतः चलचित्र जगति अस्याभिनेतुः प्रवेशः त्रिचत्वारिंशदधिक एकोनविंशतिशततमे वर्षे अशोककुमारस्य किस्मत इत्याख्य चलचित्रतः बालकलाकाररूपेण जातः। तथापि आर्थिकविवञ्चनाकारणात् तेन चॉकलेट इति मधुगोलिकाः विक्रीताः, पश्चाच्च नैक चलचित्रकाराणां वाहनचालकत्वमपि विहितम्। बैकग्राउंड म्यूजिक शुरू होता है, एक डरावना जंगल है जहां मछलियां घास चल रही हैं, सांप उड़ रहे हैं, अजीब अजीब आवाजें आती हैं, बिल्कुल अजीब। क्वा क्वा कुडू कुडू। उपजीविकारंभकाले तु गौण भूमिकाः निर्वहता कलाकारेण एतेन परवरिष्चलचित्रद्वारा उत्तमोवसरः लब्धः। एतद् अनन्तरं तु स्वीयाभिनयपाटवेन आरोहावरोहात्मकेन च प्रभाविस्वरसंयोजनेन महमूदः भारतीयचलचित्रजगति हास्याभिनयम् अपूर्वप्रतिष्ठाम् आपादय। क्या थोबड़ा है, अपने ढंग का एक ही नमूना है। आका थु 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 थु। ये क्या? नजर नहीं लगे इसलिए थूका है। अच्छा। त्रिशताधिक चलचित्रेषु स्वीयाभिनय प्रतिभां प्रमाणीकुर्वाणः महमूदः चलचित्रगतः नाना लब्ध प्रतिष्ठ कलाकारेभ्यः यशोधिगमाय सहायकः सिद्धः। महमूदस्य एवंविधं मानवतागुणोपेतं व्यक्तिमत्वं तदीयाभिनयकौशलञ्च चलचित्रप्रेमिणां चेतः तु चिराय स्मृतिपदम् आवक्ष्यति। यद्यपि अभिनेतारः लब्धप्रतिष्ठाः भवन्ति स्म, तथापि महमूदस्य प्रतिष्ठा मनागपि न्यूना नैव वर्तत। महमूदस्य हास्यकलाभिभूताः जनाः चलचित्रगृहं बलाद् आकृष्टाः सन् आगच्छन्ति स्म। शोभनम्, महमूदस्य वृत्ते पडोसन चलचित्रगतम् अपरमपि संगीतगुरुं स्मराम्यहम्। अपि ज्ञातवती वा भवती कः खलु असौ अपरः संगीतपटुः?
समीचीनतया ज्ञातं मया स च संगीतपटुः किशोरकुमारः परं कः विशेषः अत्र विशेषः अस्तु संकेतयामि छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा गृहीतः गृहीतः संकेतः मया दर्शकैश्च इदं स्पर्धागीतम् अस्माकं किशोरकुमारस्वरसंयुतम् छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा दर्शकाः कर्णप्रियस्य गीतस्यास्य गेयतानुकूल मौलिकानुवादः शीघ्रातिशीघ्रमेव भवद्भिः सम्प्रेषणीयः तदर्थम् अन्तिमो वधिर्वर्तते अस्य मासस्य दशमो दिनाङ्कः स्पर्धाविजेतुर्घोषणञ्च तदनु पञ्चदशे दिनाङ्के विधास्यते तस्मात् त्वरन्तां भवन्तः सम्प्रति वर्तते भवदीय प्रतिक्रियारूपाणां पत्राणां समुल्लेखवेला जस्पाल् सहोता लन्दनतः ब्रूते यत् अहं प्रतिसप्ताहं वार्तावली कार्यक्रमं यूट्यूब द्वारा पश्यामि अयं कार्यक्रमः चित्ताकर्षकः आनन्ददायकश्च वर्तते एवमेव उत्साहवर्धकानां सम्मर्शयुतानां च पत्राणां प्रचलेत् स्नेहावलम्बिता परम्परा इति निवेदनम् अस्माकम् अधुना अस्मत्कृते समयस्तावत् बाधकः परिलक्ष्यते परन्तु दर्शकाः भवन्तस्तु तिष्ठन्तु निमग्नाः भगवत्याः नवस्वरूपध्याने भगवत्याः नवस्वरूपाणां ध्यानं च भवतु नवधा भक्त्यनुसारेण एवम् मङ्गलकारिणी माता माङ्गल्यं वितन्यात् सर्वत्र सर्वतश्च इति सम्प्रार्थ्य विरमामो नमामो वयम्